एक आंखें ही हैं जो हमें पहचान लेती हैं हजारों के बीच, वरना कोरोना के इस दौर में हर चेहरा मास्क से ढका हुआ है। मेक नो कॉम्प्रोमाइज इन योर चाइल्ड्स एजुकेशन, जॉइन द नंबर वन स्कूल इन अजमेर, दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, एडमिशन ओपन प्री नर्सरी टू क्लास 9। एक आंखें ही हैं जो हमें पहचान लेती हैं हजारों के बीच, वरना कोरोना के इस दौर में हर चेहरा मास्क से ढका हुआ है। नमस्कार, आज हम बात करेंगे शरीर की सबसे खास आंखों के रोग ग्लूकोमा के बारे में। अगर आंखों को लेकर लापरवाही की गई तो यह आपको जिंदगी भर की तकलीफ दे सकती है। क्या होता है ग्लूकोमा या काला मोतिया? ग्लूकोमा को काला मोतिया या काला मोतियाबिंद भी कहते हैं। काला मोतिया के अधिकतर मामलों में शुरुआत में कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, हमें दोनों आंखों से बराबर दिखता है, इसलिए ये दृष्टिहीनता या आंखों की रोशनी जाने का एक प्रमुख कारण माना जाता है। नेशनल हेल्थ पोर्टल के अनुसार किसी व्यक्ति को ग्लूकोमा होने का जोखिम लगभग 2.3% तक होता है। विश्व में ग्लूकोमा अंधेपन का दूसरा सबसे सामान्य कारण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के अनुसार ग्लूकोमा के कारण 4.5 मिलियन लोग अंधेपन से पीड़ित हैं। एनएचपी की 2020 की रिपोर्ट कहती है कि भारत में ग्लूकोमा अपरिवर्तनीय अंधेपन का प्रमुख कारण है, जिससे कम से कम 12 मिलियन लोग प्रभावित हैं तथा 1.2 मिलियन लोग इस बीमारी से अंधे हो जाते हैं। 90% से अधिक मामलों में ग्लूकोमा का पता ही नहीं चलता है। उम्र बढ़ने के साथ ग्लूकोमा की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। अब इसके कितने प्रकार हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार ग्लूकोमा कई प्रकार का होता है, हालांकि इसमें दो सबसे सामान्य हैं। पहला ओपन एंगल ग्लूकोमा और दूसरा क्लोज एंगल ग्लूकोमा। ओपन एंगल ग्लूकोमा क्या होता है? ये ग्लूकोमा का सबसे सामान्य प्रकार है। इसमें आंखों से तरल पदार्थों को बाहर निकालने वाली नलियां ब्लॉक हो जाती हैं, जिसके कारण आंखों से तरल पदार्थ उचित मात्रा में बाहर नहीं निकल पाते, जिससे आंखों में दबाव या इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ने लगता है, जिसके कारण धीरे धीरे आंखों की रोशनी जाने लगती है। दूसरा प्रकार है क्लोज एंगल ग्लूकोमा। इसे हम नैरो एंगल ग्लूकोमा भी कहते हैं। इसमें आंखों से तरल पदार्थों को निकालने वाली नलियां पूरी तरह से बंद हो जाती हैं, जिससे आंखों में दबाव तेजी से बढ़ता है, और जब ये प्रवाह एकदम बंद हो जाता है तो आंखों का लिक्विड अधिक मात्रा में एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जिससे दबाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है और तेज दर्द होने लगता है। अब इसके होने के क्या कारण है? जैसा कि हमने बताया, काला मोतिया या ग्लूकोमा ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचने से होता है। आंखों में मौजूद तरल पदार्थ हमारी आंखों के लिए एक कवर का काम करता है, जो हमारे विजन या नजर को और साफ बनाता है। जब आंखों से इस तरल पदार्थ के निकलने की प्रक्रिया में कोई भी रुकावट आती है तो आंखों में दबाव बढ़ता है, और इस दबाव के बढ़ने से धीरे धीरे आपकी आंखों की रोशनी जाने लगती है। अब कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें इससे सबसे ज्यादा खतरा है? पहला, ये समस्या सामान्यतः 40 साल से अधिक के लोगों को होती है। 60 के बाद इसका खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरा, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव यानी आपका कोई पारिवारिक इतिहास हो, ये ऐसे लोग होते हैं जिनमें ग्लूकोमा होने के 10 गुना चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा, इसके होने का एक और बड़ा कारण है आंख की कुछ स्थितियां, जैसे कि मायोपिया या दूर तक ना देख सकना। चौथा, जिन्हें डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम या सिकल सेल एनीमिया जैसी समस्या हो। पांचवा, जिन्हें आंख में कोई चोट लगी हो। और आखिरी, लंबे समय के लिए आंखों की दवाएं, जैसे कि विशेष रूप से किसी आई ड्रॉप का उपयोग करना, इसके मुख्य कारण हो सकते हैं। इस बीमारी से जब एक बार आंखों की रोशनी चली जाती है तो उसे दोबारा वापस लाना मुश्किल हो सकता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि नियमित रूप से आंखों की जांच कराई जाए। आखिर आंखें हमारे दिल की जुबा होती हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।